कितने के भी क्या बोलता है सर बेटा शॉट इधर का अच्छा है वो उसका भी 100 का है अरे इधर का नहीं मोबाइल ट्रांसफर में जल्दी कैसे से रखा हूँ लो ला लो साहब इधर आइए हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके मक्का मस्जिद और चार मीनार और निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज ये तीनों तारीखी इमारतों पर बरखी हमकुमों का इंतज़ाम किया गया रोशनी का अहतमाम किया गया तकरीबन 4-5 साल से यह सिलसिला जारी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत से नुमाइंदगी की जाती है बिलाखिर उस हुकूमत इस काम की मंजूरी देती है और 11-12 रबी अव्वल शरीफ को तारीखी मक्का मस्जिद और तारीखी चार मीनार और तारीखी चार मीनार दवाखाने ये तीनों तारीखी हेरिटेज इमारतें जो हैं उस पर बरखी खुमकुमों से सजाया जाता है लाखों फर्जंदा ने तोहही शमे मोहम्मदी के परवाने इस खूबसूरत इमारतों का मुशाहिदा करते हैं और इसके लिए पूरे शहर को सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुकद्दस मौके पर हर मोहल्ले में हर घर पर मुसलमान अपने घरों पर अपनी बस्तियों में रोशनी का इंतजाम करते हैं इस ज़िमन में हैदराबाद की जो तारीखी इमारतें हैं जो है शहर हैदराबाद की निशानी है शहर हैदराबाद की पहचान है उन इमारतों को भी लाइटों से सजा गया है खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आज बाद मगरिब में ये यहाँ का इफ्तिताह किया गया लाइटों का और चार मीनार का भी काम कल मुकम्मल होगा वहाँ भी कल रात से रोशनी चालू कर दी जाएगी निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज पे भी इफ्तिताह किया गया इन हर दो इमारतों पर रोशनी का माकूल इंतज़ाम किया गया है और ये इंतज़ाम हुकूमत की सतह पर मजलिस बलदिया की जानिब से नुमाइंदगी के ज़रिए किया गया है मैं उम्मीद करूँगा कि शम मोहम्मदी के परवाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद के मौके पर इन तारीखी इमारतों का मुशाहिदा करेंगे और इस ज़िमन में हम तमाम मुसलमानों को और तमाम अवाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हैं शुक्रिया खुदा हाफ़िज़